पूरी तैयारी है और 5 को हम तब तक 5 के बाद बैठेंगे लखनऊ में जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। बस आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक साथी को लेकर के आएँ, एक एक साथी से बात करें, एक एक शिक्षा मित्र साथी 10-10 शिक्षा मित्रों से बात करें, सबको लेकर के आएँ और हमारे साथ कदम से कदम मिला करके बैठें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सरकार और शासन आपको वह सभी चीज़ें देगी जो आप चाहते हैं। बस केवल हमारा और आपका तारतम्य न टूटे, हमारे आपके बीच में एकता बनी रहे, हम सब लोग एक साथ बने रहें। बिल्कुल पश्चिम से हमारे भाई बीरेन छोकर जी, राजेंद्र पचेरा जी, खेम सिंह चौधरी जी, जगबीर भाटी जी, नरेश सहारनपुर, बदायूं से संभल से गिरीश यादव, एटा से मनोज यादव, ऋषि पाल फरूखाबाद से सारे लोग, पूरी तैयारी लगातार चल रही है। ऐसा कोई जनपद नहीं है जहां तैयारी ना हो। पूरे प्रदेश का संगठन दिन रात एक कर रहा है। हमारा एक एक जिला अध्यक्ष साथी, आप यकीन करिए 20-20 ब्लॉक हैं एक एक जिले में, हमारा जिला अध्यक्ष हर ब्लॉक में पहुंचकर मीटिंग कर रहा है। बिल्कुल आकर्षित श्रीवास्तव जी, फतेहपुर की तो बात ही छोड़ दीजिए, फतेहपुर तो एक पूरे यूपी में अलग जनपद है जिसने अपने आप पेंशन की व्यवस्था चला रखी है और हमने कहा था इस पर हम वर्क करेंगे और इसको पूरे प्रदेश में लागू कराएंगे, लेकिन अभी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाने के कारण से हम लोग इसी में उलझे हुए हैं कि कैसे एक बार हमारी समस्याओं का समाधान हो, उसके बाद शिक्षा मित्रों के हितों में तमाम निर्णय लिए जाएंगे, काम किए जाएंगे। क्योंकि हमने अंतिम निर्णय आपको सुना दिया है, अब निर्णय आपको करना है कि 5 सितंबर को कितने लोग आते हैं। सारे लोग आते हैं, एक दूसरे को लेकर के आते हैं या अकेले आते हैं, क्योंकि जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, पाना है तो खोना सीखो, सुबह उजाला घर चाहो तो अंधकार से लड़ना सीखो, क्योंकि ये हमारे जीवन में अंधकार छाया है। अगर अभी भी आप नहीं एक जगह बैठ पाए, एक दरी पर नहीं बैठ पाए, तो फिर हमारे आपके जीवन को कुछ सुधारने के लिए स्वर्ग से नहीं उतरेगा। आज भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच में नहीं आएंगे, हमको आपको ही अर्जुन बनना है, हमको आपको ही कृष्ण बनना है, हमको आपको ही भगवान राम बनना है और उनके बताए गए मार्गों पर चलते हुए लोकतंत्र में संवैधानिक रूप से अपनी समस्याओं का समाधान कराना है। और गुरु ठाकुर जी, आपका ये प्रयास सराहनीय है, लोगों को आपस में बंटने से बचाइए, क्योंकि आज समय हमारा ख़राब है तो कल को हमारा समय सही भी आएगा। आप लोग मायूस मत होइए। मैं देख रहा था कि कुछ लोग बहुत मायूसी के साथ ग्रुप में लिखते हैं, मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर लिखते हैं, आप लोग कतई मत निराश हों। हमारे एक शिक्षा मित्र साथी हैं, वो इस समय इस दुनिया में नहीं हैं, उनका बेटा एक हमको मैसेज किया, हमको फ़ोन किया, हमसे बात किया, बहुत कष्ट हुआ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हम लोग आपस में बटने की जगह एक होंगे तो बिल्कुल एक साथ लड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान करा लेंगे। होकर मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, होकर मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग एकता के सूत्र में बंध के अपने जनपदों में, अपने ब्लॉकों में एक एक शिक्षा मित्र साथी से तैयारी कराइए, सबको लेकर के आइए। सारी व्यवस्था यहाँ हम संगठन द्वारा दी जाएगी और आपसे आग्रह है कि इस बार रुकने के मूड से आइएगा। ऐसा न करिएगा कि 4 बजे के बाद हम लोग अपनी अपनी ट्रेन और अपनी अपनी बस का रास्ता देखने लगे, क्योंकि लोग सालों लड़ते हैं अपना हक पाने के लिए। क्या हम 4-6 दिन नहीं रुक सकते हैं? हम 4-6-10 दिन नहीं रुक सकते हैं? आप सीखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण के लोग हमारे लड़ रहे थे, पूरे पूरे साल बैठे हैं, क्या आप 4-6-10 दिन नहीं बैठ सकते? मैं वादा करता हूँ, जिस दिन 1.5 लाख शिक्षा मित्र 2 दिन रुक गया, उस दिन हाथ पैर सबके फूल जाएंगे, विद्यालय की व्यवस्था चरमराएगी, सरकार ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ करेगी। आप सभी साथियों से प्रणाम करते हुए
पुनः एक अपील कि यह समय बटने का नहीं है। कुटुंब और कबीले में बिल्कुल इको गार्डन में 5 सितंबर को आना है और 5 की पूरी रात वहीं रहना है और 6 को सुबह से हम लोग निदेशालय बैठेंगे और आप लोगों के साथ जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक हटने वाले नहीं। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।